नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी साहब। आइए जानते हैं जिस प्रकार से नवजीवन यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, क्या कुछ इसके महत्व हैं और क्या इसके फ़ायदे होने वाले हैं। आप नेचुरलिस्ट हैं और लगातार लोगों को अवेयर करते रहते हैं मेडिकल में, और वो अति महत्वपूर्ण है। आज इंटीग्रेटेड ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें आप उपस्थित हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, आइए जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। जिस प्रकार से इंटीग्रेटेड कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहा जा रहा है कि सब एलोपैथिक आयुर्वेदिक सबको एक साथ मिला के काम किया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो इसको बहुत समय से मानते हैं और इसका सबूत यह है कि हमारा जो खुद का हॉस्पिटल है जी, जिसका नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, ये नाम ही हमारे हॉस्पिटल का। जी जी, तीन हॉस्पिटल है हमारे, जयपुर में, जोधपुर में, डेराबसी पंजाब में, और भी खुल रहे हैं जी। तो भविष्य ही हेल्थ का इसी में है कि हम इंटीग्रेट करें जी। पूरे दुनिया में हर तरह की पद्धति है, चाहे आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, एलोपैथ है। तो हमें पेशेंट सेंट्रिक होके काम करना पड़ेगा, ना कि पैथी सेंट्रिक होके, ठीक है ना। जैसे अभी होता है कि एलोपैथी का हॉस्पिटल है या आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो ना होके पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट को क्या चाहिए जी। पेशेंट को कोई एक पैथी नहीं चाहिए, पेशेंट को क्योर, आराम चाहिए। वो तो तभी मिल सकता है जब हर पैथी का बेस्ट हम करें, जो कि आज के कॉन्फ्रेंस का मूल धार है जी। जी, कि दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट। सो यही फ्यूचर है और ये हो भी रहा है अलग देशों में, हमारे देश में भी हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल में होता है। आपने कहा था जब कोरोना आया था तो सुई लेने के लिए आपने नहीं कहा कि आप लोग अपने घर में रहिए, और कोरोना होता नहीं, सुई से कुछ होने वाला नहीं है। आज भी वो कहते हैं ये फ्लू है, आज से पहले जिसे खांसी जुकाम बोलते थे, आज देखिए किसी को खांसी जुकाम होता ही नहीं है, और जिसको खांसी जुकाम होता बोल देते हैं ये तो भाई कोरोना हो गया। तो नया नाम है, पुराने कहानी वही है और पोस्टर नया है, वो हर साल कभी पहले H1N1 में बोलते थे तो अब वही है। क्या यहाँ पर काफ़ी एम्स के डॉक्टर भी आए हुए थे कल, उन्होंने भी सुई का ऐसे तो विरोध कर रहे थे, लेकिन जब अपने सरकारी के तौर पर जाएं तो कहते कि नहीं आपको सुई लेना है, तो क्या कहते, ये कह सकते हैं कि कंट्राडिक्ट नहीं है वो मजबूरी में, वो सच्चाई बोल नहीं सकते बिकॉज वो एक ताना बाना से बंधे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब एविडेंस बेस्ड को मानते हैं, जो कि मानना भी चाहिए, एविडेंस बेस्ड। सबूत क्या कहता है, तो सबूत तो यही कहता है सुई के बारे में, क्योंकि सबूत अभी छुपाया गया, सबूत आउट नहीं है पब्लिक में, और जो सबूत सामने नहीं है उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो यही कंक्लूड करता हूँ कि सुई की ज़रूरत कभी भी किसी को किसी भी प्रकार से नहीं है जी। आज कितना कुछ हेल्थ के रूप में अवेयर रहने की ज़रूरत है? आज का तारीख वो है जब आपको अपना डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। आज आप अपने हेल्थ के लिए किसी और पे निर्भर नहीं हो सकते, खासतौर पर पिछले 2 साल में जो भी आपने देखा, एक डर का माहौल बनाया गया है। डिजीज़ मॉन्जरिंग किसी कहते हैं, जिसे कहते हैं कि मामूली खांसी जुकाम को भी एक बहुत भयंकर बीमारी बनाया गया। तो इसमें अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो बी योर ओन डॉक्टर। और बहुत सारे ऐसी पैथीज हैं, आज आप देखें कॉन्फ्रेंस में भी देखेंगे, अगर इस कॉन्फ्रेंस को फॉलो करें, जिस पैथी को आप घर बैठ के ही प्रयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सेफली अप्लाई कर सकते हैं, तो बी योर ओन डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल। नवजीवन और आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम कर रहा है, और भी आप इसके ऊपर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम डॉक्टर विपिन जी से पिछले मुझे लगता है 15 साल से जुड़े हुए हैं। क्या बात। और बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और हमारी सोच कहीं ना कहीं मैच करती है। आप देखें कि वो भी जिस पथ में चल रहे हैं, हम भी उस पथ में चल रहे हैं, तभी हम दोनों के जो आज का जो आपका थीम है इंटीग्रेटेड, हमारे हॉस्पिटल का थीम यही है, है ना, इंटीग्रेटेड वर्ड हमने भी यूज़ किया है, तो बिल्कुल इनलाइन है। वो जो काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग स्टाइल में काम कर रहे हैं। वो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। नेशनल पॉलिसी मेकर जो हैं, उनको अलग अलग पॉलिसी मेकर को एक छत के नीचे लाना, ये बड़ी बात है जी। जो मुझे लगता है डॉक्टर विपिन कुमार ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो हमें जो लोगों को इस पे फेथ है, वो डॉक्टर विपिन का साथ देते हुए इस मंच का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को कैसा फ़ायदा पहुंचे, इसकी तरफ हम सबको काम करना चाहिए। कोरोना काल में आप हज़ारों मरीजों को आपने ठीक किया है नेचुरोपैथी से, और भी क्या कुछ संदेश वैसे देंगे? संदेश ये है कि देखिए, जिसे कोरोना बोल रहे हैं वो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोरोना नहीं है, वो एक फ्लू है जो कि हर साल होता है। साल में एक बार आपको बुखार होगा ही होगा, दैट इज़ हाउ द इम्यूनिटी इज मेड। और जब भी बुखार हो, पहला तो यही मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी दवाई मत लीजिए, तो आपको ज़्यादा देर तक बुखार रहेगा नहीं। जैसी दवाई लेते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, मान लीजिए आपने जंग शुरू कर दी वायरस के अगेंस्ट नहीं, अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट, तो बॉडी को 2 चीज़ लड़ना पड़ रहा है, एक तो वायरस से और ऊपर से वो दवाइयों से। तो बॉडी का काम मुश्किल कर रहे हैं आप जब भी दवाई ले रहे हैं। और जिन लोगों की मौतें हुई
अनफॉर्चुनेटली आप उनकी हिस्ट्री जाके देखिए, वो हैं जिन्होंने हाई डोज ऑफ दीज मेडिसिन लिए हैं, जो घर पे रहे हैं, गांव में रहे हैं, सड़कों पे रहे हैं, भिखारी टाइप लोग भी, वो कहाँ मरे हैं, वो कोई भी नहीं मरे हैं, वो खांसी जुकाम होता रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे डॉक्टर रवि स्वरूप राय चौधरी साहब, खास तौर से बता रहे थे कि अगर आपको कुछ भी आज मेडिकल में जरूरत है, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत है, और इसी पर ये काम हो रहा है नवजीवन जैसी संस्था कर रही है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में इसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।